Hello everyone, welcome to Nisha Science Tech. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनेशन. हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को ऑलरेडी स्टडी कर लिया है एंड आज हम इस वीडियो में पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे. तो पहले देख लेते हैं पॉलिनेशन क्या है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन्स पॉलन सैक से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन is basically divided into two types. First is self-pollination and second is cross-pollination. Self-pollination is of two types, autogamy and gametogamy. तो autogamy क्या है? Autogamy is a type of self-pollination within the same flower and ये तभी possible है when flower is bisexual, that is contains both stamens and carpels and they mature at the same time. इस टाइप का पॉलिनेशन मिलेगा वीट में, राइस, पी एटसेट्रा. गीटोनोगैमी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन वेयर फ्लावर्स कुड बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल. यानी इस केस में फ्लावर्स बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं एंड यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं. दोनों केस में गीटोनोगैमी हो सकता है. The pollination takes place by different flowers of the same plant. यहाँ pollination दो different flowers के बीच हो सकता है, लेकिन ये flowers एक ही plant के होने चाहिए. So we can say it is the process of pollination by different flowers of the same plant. An external agency is required to perform pollination because ये flowers प्लांट के टू डिफरेंट पोजीशंस पर प्रेजेंट होते हैं. तो इसलिए यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट या फिर पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है कि पॉलिनेशन हो सके. इसलिए हम सेल्फ पॉलिनेशन को कह सकते हैं दैट इन सेल्फ पॉलिनेशन पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर दैट इज ऑटोगैमी और टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट दैट इज गीटोनोगैमी. यहाँ हम इस प्रोसेस को इस फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं ऑटोगैमी. ऑटोगैमी एक ही फ्लावर के बीच होता है जिसमें फ्लावर्स जो हैं वो बाइसेक्सुअल होंगे और एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं. गीटोनोगैमी जो है ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप है जिसमें आप देख सकते हो इस प्लांट में यहाँ फ्लावर का पोजिशन दो अलग अलग जगहों पर है. तो ये इस फ्लावर में से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे फ्लावर तक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट. तो ये जो है ये क्या है? गीटोनोगैमी है. एंड गीटोनोगैमी में प्लांट्स एक ही होने चाहिए, फ्लावर्स दो हो सकते हैं. तो इस वजह से हम समझ सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है, सेल्फ पॉलिनेशन इज द process of transfer of pollen grains from anther to stigma of same or genetically similar flower. अब देख लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या है. क्रॉस पॉलिनेशन को हम जेनोगैमी भी कहते हैं. पॉलिनेशन बाय फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज. यानी इस प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होगा फ्रॉम टू डिफरेंट फ्लावर्स present on two different plants, but ये दो plants जो हैं ये एक ही same species के होने चाहिए. तो यहाँ ये बहुत important है कि ये दो plants एक ही species के होने चाहिए, तभी pollination होगा. जैसे mango plant के साथ ही pollination होगा, ना कि papaya के साथ. So it is very important कि cross pollination जो है, pollination by flowers from different plants of the same species. Cross pollination requires external agencies like wind, insects, water and animals, जिसे हम आगे अपने upcoming videos में discuss करेंगे. तो
तो क्रॉस पॉलिनेशन को फिगर के हेल्प से समझते हैं। यहाँ आप फिगर में देख सकते हो टू डिफरेंट प्लांट्स, ये एक प्लांट है एंड दिस इज द सेकेंड प्लांट। एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो है वो इंसेक्ट्स के हेल्प से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, यानी कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो रहा है फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, यानी कि एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के बीच जो पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है इसे हम कह रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एंड ये क्रॉस पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट्स के हेल्प से होता है। ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, एबायोटिक एजेंसीज लाइक विंड, वाटर, ये सभी एजेंट्स जो हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करते हैं। एंड साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप जो कि गीटनोगैमी है, गीटनोगैमी में भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। तो इस वजह से आप समझ सकते हो द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में हो रहा है, ये पॉलिनेशन जिसे हम कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये पॉलन ग्रेन्स जब एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं तो इसे हम कह रहे हैं ऑटोगैमी। जब एक ही प्लांट में पॉलिनेशन दो फ्लावर्स के बीच होगा इसे हम गीटनोगैमी कह रहे हैं। एंड जब ये पॉलिनेशन का प्रोसेस टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज के बीच होगा तो इसे हम ज़ेनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन कह रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन जो है वो तीन तरह से हो सकता है, ऑटोगैमी, गीटनोगैमी एंड ज़ेनोगैमी।